हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया बेतंकुर में। एसबीआई पीओ प्री के 2 दिन की टोटल 4 शिफ्ट में एग्जाम हो चुका है, क्योंकि कल 17 में भी सिर्फ 2 शिफ्ट में एग्जाम था और आज 18 में भी सिर्फ 2 शिफ्ट में एग्जाम था। अभी भी 2 दिन का एग्जाम बाकी है और जैसा कि आज दूसरे दिन की पहली शिफ्ट में मेरा भी एसबीआई पीओ प्री का एग्जाम था और एसबीआई पीओ प्री का सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस भी मैंने कराया था। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर हम पूरे एग्जाम की बात करें ना, तो किसी भी शिफ्ट में पेपर का लेवल आसान देखने को नहीं मिला है। अब एसबीआई पीओ का एग्जाम था तो आसान लेवल की उम्मीद तो कम ही थी, तो अभी तक जो पेपर का लेवल रहा है वो मॉडरेट और किसी किसी शिफ्ट में मॉडरेट प्लस देखने को मिला है और यही उम्मीद है कि आने वाले शिफ्ट में भी आपको यही लेवल देखने को मिलेगा। अब पूरे एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंग्लिश में एक्यूरेसी, क्योंकि जिस तरह का लेवल इंग्लिश का देखने को मिल रहा है, अटेम्प्ट तो आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे लेकिन एक्यूरेसी यहाँ इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इंग्लिश की एक्यूरेसी का थोड़ा सा पता नहीं चल पाता है। वहीं क्वांट और रीजनिंग की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन का सिलेक्शन और थोड़ी स्पीड। सबसे पहले हम क्वांट की बात करें ना, तो 10 क्वेश्चन तो बहुत जल्दी बन जाएंगे अगर क्वाड्रेटिक आ गई, अप्रोक्सीमेशन आ गया या नंबर सीरीज आ गई, लेकिन 10 नंबर के बाद एक एक नंबर के लिए काफी मेहनत लगेगी। अगर डीआई आसान मिलेगी तो क्वेश्चंस बहुत कैलकुलेटिव मिलेंगे, और क्वेश्चंस थोड़े से आसान मिलेंगे तो डीआई वहां काफी कैलकुलेटिव मिलेगी। मतलब काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो काफी टाइम कंज्यूमिंग देखने को मिल रहे हैं और स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी कोई ना कोई पजल या अरेंजमेंट ऐसी जरूर आ रही है जो फंसाने वाली है, तो यहाँ क्वेश्चन का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जिस तरह का क्वांट और रीजनिंग का अभी तक का लेवल देखने को मिला है, तो जिनके 20 के आसपास भी अटेम्प्ट हो रहे हैं ना, बिल्कुल अच्छे अटेम्प्ट हैं। अभी काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि सर जो आज दूसरे दिन की सेकेंड शिफ्ट थी वो काफी टफ देखने को मिली, हमारे अटेम्प्ट भी कम हुए हैं। अब इतनी सारी शिफ्ट में एग्जाम है ना, तो आपको कोई ना कोई शिफ्ट ऐसी जरूर मिलेगी जो अदर शिफ्ट के कंपैरिजन टफ होगी, लेकिन वहां आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा बिल्कुल मिलेगा। इसलिए आपको एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करके आने हैं जितने भी आपके अटेम्प्ट हो जाएं। ठीक है, बाकी अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, अभी तक का लेवल जो देखने को मिला है, तो 60+ में एक चांस बहुत कम लग रहे हैं, इसलिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार रह सकती है, अगर इसी तरह का लेवल 19 और 20 में भी देखने को मिलता है तो 55 से 60 के बीच में देखने को मिल सकती है। तो जिनके भी 60+ अटेम्प्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छे अटेम्प्ट है, आपको बिल्कुल मेंस की तैयारी करनी चाहिए, और 55+ भी है तो बिल्कुल आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। बाकी जिनका भी एग्जाम हो चुका है कल 17 या आज 18 तारीख में, तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपका किस डेट और किस शिफ्ट में एग्जाम था, आपके टोटल कितने अटेम्प्ट हुए हैं, और अभी जिनका एग्जाम बाकी है तो आप भी कमेंट में जरूर मेंशन करें कि आपका किस दिन और किस शिफ्ट में एग्जाम है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।